तो अब आम जनता सरकारों की तरफ उम्मीद से देख रही है कि राज्य सरकारें अब जरूरी कदम उठाएंगी ताकि महंगाई को कम किया जाए। लेकिन आंकड़ों पर एक बार फिर हम नजर डाल लेते हैं। राजीव, आप तक कुछ जरूरी आंकड़े पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, केंद्र और राज्यों के बीच में सामंजस्य बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। लेकिन महाराष्ट्र में देखिए, 3472 करोड़, वैट नहीं कटा है लेकिन कमाया कितना? दिल्ली ने कितना कमाया? 173 करोड़ रुपए। डेटा आपके सामने रख रहे हैं कौन कितना कमा रहा है। पश्चिम बंगाल में 1343 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, तो तमिलनाडु में 2924 करोड़ रुपए। वैट घटाया नहीं, बस कमाया कमाया, और आम आदमी पर कितना बोझ है आप समझ सकते हैं। तेलंगाना ने 1302 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश ने 1371 करोड़ रुपए अब तक इस वैट से कमाया है, जिसको कम करना चाहते लेकिन नहीं किया गया। केरल ने 1187 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो झारखंड ने 664 करोड़ रुपए अब तक कमा लिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान कर रहे हैं राज्यों से कि वो वैट कम करें, तो महाराष्ट्र इसमें कितना आगे देखिए, 3472 करोड़ रुपए। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद, इस संदेश के बाद, क्या राज्य सरकारें वैट में कटौती करती हैं या फिर नहीं।